हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल अगेन। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, हम जानते हैं बहुत लेट हो चुकी है हमारी GT5 की वीडियो, हमें बहुत पहले डालनी थी लेकिन गाइस कुछ इशू आ रहे थे, उस वजह से हम डाल नहीं पा रहे थे। गाइस चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो गाइस आज हमें पैनी ने बहुत बढ़िया डील बताई, जैसे कि आप जानते हैं लास्ट वीडियो में बहुत तगड़ी चोरी की डायमंड कैसीनो और बाकी चीज़, बहुत पैसा हो चुका है। तो गाइस हमने सोचा से सही जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। तो माइकल यहाँ पर, पहले तो हम गाइस पहले बैनी को लेने चलते हैं जिसने हमें ये सारा कुछ बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो गाइस बैनी ने हमें कहा एक शोरूम खरीदना है, काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहा है, बैनी बढ़िया डील कर रहा है। आप याद ही होगा उसने गाड़ी की कितनी बढ़िया डील कराई थी। तो गाइस और साथ ही साथ गाइस हमने सोचा कि थोड़ा सा घर पर भी रेनोवेट करा लें, तो घर का रेनोवेशन भी आज कराएंगे। गाइस मैंने उन्हें बोला हुआ रेनोवेट वालों को भी रेनोवेट करा दे घर को। तो गाइस हम फटाफट से बैनी के पास चलते हैं, पहले अपनी कार की डील को डन करते हैं, कार शोरूम की डील को। तो कार की नहीं है, कार का नहीं है खाली शोरूम, ऑल ऑल जैसे बाइक का भी होगा, ट्रक का भी है, ऑल ऑल कार एंड हैवी ट्रक का भी है। तो गाइस सबसे पहले बैनी को लेके वहाँ पे सीधा लोकेशन पे चलते हैं, पहले बैनी को उठा लेते हैं फटाफट से। हम पहुँच चुके हैं बैनी के गैराज पे, चलो भाई उतरते हैं फटाफट से, बैनी को बाहर ही बुला लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर बैनी हमारे सामने खड़ा है। चलो गाइज इससे हमारी बात हो चुकी है, इसने कहा कि हाँ वो बंदा भी रेडी है जिससे हमें बात करनी है, शोरूम भी देख लेंगे हम अभी। तो गाइज पहले शोरूम ही देखना मेन ज़रूरी है, तो सीधा हम चलते हैं गाइज वहाँ पर शोरूम पर। हमने लोकेशन मार्क कर ली है, ज़्यादा दूर लग नहीं रहा है मेरे को, बीच साइड बता रहा है मेरे को बैनी की बीच की वहाँ पे। तो गाइस लोकेशन तो मतलब बढ़िया लग रही है क्योंकि बीच पे मज़ा ही अलग आएगा, व्यू का समझ रहे हो ना आप लोग, बीच का व्यू अलग होता है। चलो गाइस चल के देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। तो लगभग गाइस हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, लेफ्ट में मेरे को एक शोरूम दिख रहा है, बाहर से तो इतना कुछ बट खास लग नहीं रहा, लेकिन बड़ा तो काफ़ी है। लेकिन इनकी कार कलेक्शन देखना बहुत मेन जरूरी है कि कलेक्शन कैसी है इनके पास, विद मटेरियल लेंगे हम कारों के साथ लेंगे शो। बाकी तो हमें मंगाई भी है, मंगाई भी है कार, लेकिन इनके पास भी कुछ बढ़िया कारें होनी चाहिए। तो चलो गाइस अब यहाँ पे हम लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, अब हम फटाफट से अंदर चल के देखते हैं क्या क्या इनके पास कलेक्शन है कार्स का, बाइक्स का, ट्रक का, कितनी हैवी कार्स हैं, कैसी हैं, मॉडिफाइड कैसी हैं, क्या है, क्या क्या करते हैं इसमें। तो बस यहाँ पे तो कुछ अभी तक सिंपल ही कार दिख रही है मेरे को, इतना कुछ मतलब ऐसे अट्रैक्टिव कार अभी तक लगी नहीं है कोई भी, लेकिन देखते हैं क्या पता अंदर इनकी प्रीशियस कार हो का। गाइस जैसे कि मैं सोच रहा हूँ ये शोरूम तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बाहर से जैसे आप ग्लासेस हैं तो इतना मुझे खास लगा नहीं, लेकिन कार की कलेक्शन मेरे को इनकी ठीक लग रही है। महंगी महंगी कारें इनके पास, सिंपल भी हैं, लेकिन सिंपल कारें मेरे ख्याल से ज़्यादा नीड है नहीं अपने शोरूम में, महंगी ही चीज़ बेचेंगे। तो बस मुझे कार काफ़ी चेंज करनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे ऑर्डर भी देना पड़ेगा, लेकिन अच्छी अच्छी कारें हैं देख सकते हैं आप क्या लग रही है, नेवी ब्लू क्या लग रहा है, और साइड में डार्क ग्रे, मतलब व्यू तो आप देख लो गाइस साइड में व्यू कितना बढ़िया है, व्यू भी आपको दिखाऊंगा गाइस मैं अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले हम पहले कार देख लेते हैं सारी कितनी बढ़िया बढ़िया। वैसे कार का कलेक्शन क्या लग रही है यार, जीप एक नंबर बेस्ट लग रही है अभी तक मेरे को, ये सबसे बेस्ट लगी है। बाइक्स का इसमें कह रहा था, बाइक्स का भी है वहाँ पे देख सकते हैं, बाइक भी यहाँ पे खड़ी है एक से एक। और ये देखिए गोल्डन में, गोल्डन व्यू में है ये कार, गोल्ड की नहीं है लेकिन गोल्डन व्यू में है। क्या कर रहा है वे तो बैठे बैठे, क्योंकि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मैं कहाँ चढ़ रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर ऊपर भी देखा था मैंने जब बाहर से आया था, ऊपर से भी एक रास्ता ऊपर का भी कुछ है इनके फ्लोर पर, ऊपर चल के देखना पड़ेगा मेरे को कि क्या कहाँ से इसका क्या रास्ता है, पहले देखते हैं ऊपर जाने का, आई थिंक बाहर से है। चलो भाई चल के देखते हैं फटाफट से बाहर में। एज में कह रहा था ना आपका ट्रक भी है, देखिए आप देख सकते हैं हैवी, लेकिन ट्रक की ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है इनके पास, कितनी चाहिए भी नहीं, कार और बाइक मोस्ट प्रायोरिटी पे है हमारे। तो गाइज ये है इनका मेरे ख्याल से मॉडिफिकेशन के लिए, ये कार मॉडिफाई करते हैं यहाँ पर, देख ही सकते हैं मॉडिफाई कार खड़ी है यहाँ पर, कलर पेंट इनका कैसे करा, वो फायर एक्सटेंशन की भी कार खड़ी है यहाँ पर आग बुझाने वाली। तो गाइज यहाँ पे ये मॉडिफाई मशीन भी देख सकते हैं आप, रिपेयर एंड मॉडिफाई का। तो गाइज यहाँ से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, ये सबसे बेस्ट जगह लग रही है मेरे को व्यू दिखाने की, तो आपको यहाँ से मैं व्यू दिखाता हूँ। गाइज देखिए मतलब अलग ही फील आ रही है यहाँ खड़े हो गए, क्या व्यू है, मतलब मज़ा आ गया इस व्यू की वजह से। मैं शोरूम को गाइज डन करना चाहता हूँ,
बाकी तो प्राइस पे होएगा, क्या वो बंदा बताता है क्या कैसे होता है, लेकिन गाइस व्यू तो सबसे बेस्ट है यहाँ पर इसका। तब हम देखते हैं, चलो नीचे चल के बात करते हैं उससे। हमने शोरूम तो हमें लगभग पसंद आ गया है और हमारा रेनोवेशन का काम भी चल रहा है घर पे, तो गाइस पहले ये डील फटाफट से डन करने जा रहा, टाइम वेस्ट करना नहीं है, तो सीधा उनसे बात करने चलते हैं। तो गाइस हमारी इनसे बात हो चुकी है, ये राजी है, हमारी सारी शर्त मान लिया उन्होंने। मैंने कहा मुझे कार चेंज करनी है, उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कार का ऑर्डर दिया हुआ है, कुछ महंगी कारें जो हम प्रीशियस रखते हैं अपने लिए, तो गाइस वो कार ही मैंने कहा इसको मेरे घर पर ही भिजवा दे दो, क्योंकि शोरूम में मैं अपने हिसाब से रखूँ, अब डील डन हो चुकी है, अपनी मर्ज़ी चलेगी, तो गाइस मैं अपनी मर्ज़ी से उन कारों को रखूँगा। गाइस वो घर पे ही आएंगी कारें, तो जब तक हमारे रेनोवेटर काम भी होगा कारें भी आ जाएंगे, वो फटाफट से घर पहुँचना है, बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, पैसा भी हमने बहुत खर्च दिया है, लेकिन गाइस शोरूम एक नंबर बनाना है, कारें एक से रखने जो बंदों को अलग ही पसंद आए, तो हम सबसे पहले फटाफट से घर चलते हैं, घर का रास्ता यहाँ से बहुत दूर है। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं घर, रेनोवेट देखते हैं कैसे हो, काफ़ी चीज़ें मैंने रेनोवेट करने के लिए, ये काम गाइस मैंने लेस्टर को दिया था, लेस्टर आप जानते हैं बहुत बढ़िया काम करता है। गाइस हम लगभग घर पहुँच चुके हैं और शाम हो गई है हमें आज ये सारे चीज़ करने में, तो गाइस यहाँ पर हम घर पहुँच चुके हैं, रेनोवेट मेरे ख्याल से रेनोवेट का काम तो हो चुका है, गाड़ियाँ मेरे ख्याल से उनकी ही आई हैं जो मैंने डिलीवरी की, गार्ड्स वार्ड्स ये लेस्टर ने भाई फुल सिक्योरिटी कर दी है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा चोरी और काफ़ी चीज़ करी है, तो उसके लिए हमें फुल सिक्योरिटी दी गई है, कुछ हुए ना। गाड़ियाँ आप देख सकते हैं मैंने जो मंगाने के लिए गई थी वो भी ऑर्डर आ चुका है, मतलब हमारी रोल्स रॉयस भी आ चुकी हैं जो मैंने मंगाई थी, मेरी फेवरेट्स। तो गाइस गार्ड देख सकते हैं आप कितनी सिक्योरिटी बढ़ा दिया लेस्टर ने हमारे लिए, हमारे इसको ही सेफ बूथ कैंप बना, सेफ कैंप बना दिया इसको हमारा। हम पहले बाहर का व्यू दिखाते हैं गाइस, अभी कैसे गार्ड खड़े हैं चप्पे चप्पे पे। ये गाड़ी तो शायद मैंने नहीं मंगाई, ये वाली उसने ही ऑर्डर किया था, लेकिन ये वाली गाड़ियाँ तो मेरे ख्याल से इन गाड़ियों के लिए, इनके ट्रैवल करने के लिए, तो शोरूम के मालिक हैं गाइस, इनको गाड़ी तो दे ही सकते हैं, मतलब तो फुल सिक्योरिटी कर दी है, कोई उसने अभी कहा कि यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी कर देगा कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं और जाने की छुपने की। तो गाइस अब अंदर से आपको घर दिखाया जाता है, दिखाते हैं हम, लाइटिंग देख सकते हैं गाइस, ये लाइटिंग पहले नहीं थी, यहाँ पर लाइटिंग का काम बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को, आपको सारे भी दिखाऊंगा गाइस जितने भी हैं, पहले इसकी लाइट बंद कर दूंगा बिना मतलब कि बेचारे की बैटरी ख़त्म हो जाएगी, अरे हाई बीम हो गई थी। चलो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ घर हमारा कैसा है, ये आप देख सकते हैं फुल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में तो मतलब कोई कमी है ही नहीं, सिक्योरिटी इतनी तगड़ी कर दी। ये देखिए आप व्यू देखिए, बाइक्स भी मंगाई थी और बाइक्स भी हमारी आ चुकी हैं, गार्ड साथ में खड़ा है, मतलब कार की सेफ्टी के लिए भी है। गाइस ये हमारी अब कार तो देखने साथ में फुल गोल्डन में है, गोल्ड कार है कि गोल्डन लुक नहीं दिया इसको, कार ही पूरी गोल्ड की, इसलिए स्पेशल दो गार्ड खड़े करे हैं, यहाँ पर पूरा पैसा लगाया है इस गार्ड पर, कार पर गाइस मैंने उसको बोला था एक ऐसी कार लाने के मंगाने के लिए, तो गाइस बहुत सही लगी मेरे को, हट जा भाई तू हट जा, महंगी कार है, मालिक को कुछ नहीं कह सकते गार्ड। तो गाइस आपने कार देख ली हमारी बहुत फुल गोल्डन में थी, गोल्ड लगा हुआ था इसमें, गाइस पीछे आप देख सकते हैं लाइटिंग कितनी बढ़िया लग रही है, पूल साइड में जो उसका पूल का एरिया था वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कितना प्यारा लग रहा है, मतलब शाम को बैठने का अलग ही व्यू है, देख सकते हैं इधर कुछ खास कराया नहीं है, लेकिन इधर गाइस हमने यहाँ पर एक बार बीक्यू खोला, गार्ड्स का खाना वाना सारी चीज़ बहुत सब कुछ देखना पड़ता है अगर वो हमारी सेफ्टी के लिए ना, तो गाइस इनके लिए भी हमें करना पड़ेगा परमानेंट, हमने एक बारबेक्यू खोल दिया यहाँ पर, एक शेफ़ है हमारे साथ, तो इनका खाना पीना यहाँ से सब हो जाएगा, और यहाँ पे चिल आउट के लिए भी बहुत बढ़िया लोकेशन है, हम लोग पूल वूल में मौज करें सब कुछ करें। चलो गाइस यहाँ पर आपको और अलग चीज़ दिखाता हूँ जो हमने ऐड किया है पार्ट, यहाँ पर हमने टेनिस का यहाँ पर कोर्ट बनाया है टेनिस खेलने के लिए, कुछ भी खेलो बैडमिंटन के लिए तो बड़ा कोर्ट है, लेकिन टेनिस के लिए कोर्ट बनाया हमने, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करी है हमने इसमें घर के अलावा जो रेनोवेट में थी, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए इसके एरिया नहीं था तो ये ऐड किया साइड में ही बनाया हमने, और ये टेबल टेनिस की टेबल थी आपने पीछे देखी होगी बीच में छोटी सी रास्ते में लगा रखी है। ये लाइटिंग देखिएगा, इस लाइटिंग का सबसे मेन काम किया। चलो गाइस घर को दिखाते हैं, अगर घर पे कुछ
है या नहीं, लेट्स सी। घर में क्या रेनोवेट करा है? खास सारी जिम्मेदारी लेस्टर की थी, मेड हमारी ऐड हो चुकी है एक्स्ट्रा, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब पैसा इतना आ गया कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक कुछ तो किया होगा इन्होंने घर पे, लेस्टर ने कुछ तो करवाया होगा, गार्ड्स अंदर तक लगे हुए हैं तो कुछ तो प्रीशियस चीज़ होगी। मेल डाउन, बस ये देखिए फ़ोन देखे कैसे पड़े हैं इतने सारे टीवी फोन्स, मतलब ये एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं हमारे पास। और ये क्या पड़ा है, कैश लग रहा है मेरे को गाइज, इतना सारा कैश गाइज अभी भी बचा हुआ है हमारे पास। गोल्ड ज्वेलरीज खरीद चुके हैं हम, काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं अभी भी जो हम चोरी करके लाए थे, मतलब गाइज अभी भी हमने इतना इन्वेस्ट कर लिया और अभी उसके बाद भी हमारे पास बहुत चीज़ें बची हुई हैं, तो मतलब आप समझ रहे हो ना कितना कुछ चुराया हमने, कितना कुछ करा है। अभी तो एक ही कमरा था गाइज, मतलब बहुत सही रेनोवेट कर दिया इन्होंने घर। तो गाइज आपको चलो बाहर से मैं दोबारा दिखा देता हूँ व्यू, एक बार दूसरे कैमरे के व्यू से भी दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ से देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है, लाइट का, लाइटिंग बहुत प्रीशियस है यहाँ पे। तो गाइज आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे दूसरा व्यू, ऊपर से ड्रोन व्यू कह सकते हैं आप इसको, मतलब अलग ही व्यू लग रहा है, मतलब लग रहा है बंदा माइकल का घर है, अमीर इतना गैंगस्टर मैन। ये देखिए गाइस अब अकेले राज करेगा इस घर पे, ये आप साइड में देख सकते हैं टेनिस का कोर्ट भी है और छोटे से टेबल भी है टेबल टेनिस के, और पूल कितना प्यारा लग रहा है ऊपर से, मतलब गाइस व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। गाइस अब हमने ये गाड़ियाँ वापस शोरूम तक भी पहुँचानी, काफ़ी चीज़ें बहुत बढ़िया डील हुई है हमारी है। चलो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।